बंगाल में ममता बनर्जी ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। ममता ने बुधवार सुबह 10:45 पर राज्य भवन के टाउन हॉल में शपथ ली। वहीं कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शपथ समारोह में ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा सका। शपथ ग्रहण में प्रशांत किशोर के साथ साथ टीएमसी के बड़े नेता, इसके अलावा सौरभ गांगुली, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को आमंत्रित किया गया था। आपको बता दें कि 2 मई को आए चुनाव परिणाम में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज कर बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाई है। हालांकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी सीएम तो बन गई हैं, लेकिन संविधान के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने में किसी भी सीट से विधायक का चुनाव जीतना होगा। वहीं आज तीसरी बार शपथ लेने से पहले ममता पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। तब उन्होंने 34 साल से बंगाल में काबिज लेफ्ट का सफाया किया था। इसके बाद दूसरी बार साल 2016 में ममता बंगाल की सीएम बनी। आपको बता दें कि ममता केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं, साथ ही उन्हें देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, लेकिन आपसी मतभेद के चलते साल 1997 में ममता ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उसके अगले ही साल 1 जनवरी 1998 को अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर ली। उसके बाद ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अपना समर्थन दे दिया और देश की पहली महिला रेल मंत्री बन गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने यूपीए सरकार को भी अपना समर्थन दिया था और साल 2009 में उन्होंने यूपीए से खुद को अलग कर लिया। लेकिन अब वक्त और समय बदल चुका है। ममता बनर्जी अपने आप में खुद एक सशक्त नेता हैं और माना ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो देश का एकलौता विपक्ष चेहरा के रूप में साबित हो सकती हैं।